महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 106 हुई, देश भर में मरीजों की संख्या 513 हुई। पंजाब और महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश में भी कर्फ्यू का ऐलान। यूपी, हरियाणा और पश्चिम बंगाल ने राज्य में लॉकडाउन किया। उत्तराखंड में 4 अप्रैल तक सभी निचली अदालतें भी बंद की गईं। टैक्स और जीएसटी रिटर्न पर वित्त मंत्रालय का बड़ा ऐलान। 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। रिटर्न फाइलिंग और पैन आधार लिंकिंग की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई। मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न की तारीख भी 30 जून हुई। नोएडा में नया मरीज मिलने के बाद सेक्टर 137 की लॉजिक्स ब्लॉसम रेसिडेंशियल सोसाइटी सील की गई। एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित। पाबंदियों के बावजूद घरों में रहने को तैयार नहीं लोग। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में कार्रवाई हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ऐलान। देशभर में 1,87,000 लोगों की सामुदायिक निगरानी शुरू हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,92,000 हुई। अब तक 17,000 से ज्यादा मौतें। स्पेन में 4,500, अमेरिका में 2,500 और ईरान में 1,700 नए मामले सामने आए। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में भी हालात आपातकाल जैसे। दिल्ली के शाहीन बाग समेत अन्य इलाकों में नागरिकता कानून के खिलाफ जारी धरना खत्म। दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल की सफाई करवाई। और तकरीबन 8 महीने तक नजरबंदी काटने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला रिहा। कहा, कोरोना संकट टलने पर घाटी से जुड़े सभी मुद्दों पर बात करूंगा।